नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। मेरा नाम है पार्थ सिंह। आज का जो टॉपिक है वो है कि सीखने का सही तरीका क्या है। क्योंकि अगर आपको सीखने का सही तरीका नहीं पता है और अगर आप स्पिरिचुअलिटी में घुस गए हो या किसी भी ऐसे क्षेत्र में घुस गए हो जहां पे आपको ये नहीं पता है कि सीखते कैसे हैं, तो सारी की सारी चीजें जो है वो बेकार हो जाती है। और जैसे लास्ट वीडियो में कुंडलिनी का नाम लिया मैंने, तो आप सोचेंगे कि होती है या नहीं होती है, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस में तो वो है नहीं। तो आप किसके ऊपर गोली चलाएंगे, किसके कंधे ऊपर? जिस भी गुरु को आप बहुत हद से ज्यादा मोह ग्रसित है उनसे, या अटैच्ड है, या प्यार करते हैं, जो भी प्रेम आपका है उनके पीछे, उन्होंने जो बोल दिया वही आपका रामबाण बन जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूब गुरु जो कहते हैं कि नहीं होता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं एलियन भी नहीं होता, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं एलियन होता है। तो चक्कर क्या है कि आपको सीखना ही नहीं आया कि सीखते कैसे, और अगर सीखोगे नहीं तो आप इन्वेस्टिगेट कैसे करोगे? क्योंकि मेरा काम आपको अपने पैरों पे गिरा के सवाल पूछवाना नहीं है, प्रश्नों का उत्पादन करना नहीं। मेरा जो कर्म है, मेरा जो धर्म है, वो ये है कि मैं आपको स्वयं स्वतंत्र बना दूं। अगर आप स्वयं स्वतंत्र बन जाते हैं, आजाद हो जाते हैं, तो चाहे इंटरनेट कल हो चाहे ना हो, कल किसी की डेथ हो जाए, तो आपका जीवन मंगलमय रूप से चलता रहे। और इसी वजह से आज का जो पॉडकास्ट है या आज का जो वीडियो है, तो पॉडकास्ट करते थे बोलते तो उसकी आदत पड़ गई है। एनीवे, आज का जो वीडियो है वो ये है कि सीखते कैसे। पतंजलि योग सूत्र में पिछले बीते हुए वर्ष में मैं पतंजलि योग सूत्र मुझे पढ़ने का मौका मिला, मुझे पता चला कि एक और टेक्स्ट बुक है जो, तो मैंने सोचा चलो पढ़ते हैं। उससे पहले ऑलमोस्ट 200 प्लस वीडियोस मैं कृष्णमूर्ति जी के देख चुका हूं, देख रहा था। फिर ओशो के साथ साथ मैंने जब ओशो को सुनना चालू किया, तो मैंने साथ ही साथ में इनको भी सुनना चालू कर दिया, पतंजलि योग सूत्र को पढ़ना चालू कर दिया। और पहले पतंजलि योग सूत्र क्या कहते हैं कि सीखते कैसे हैं वो पहले समझना जरूरी है। देखिए, तीन प्रकार के प्रमाण होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, एक होता है अनुमान प्रमाण, और एक होता है आगम प्रमाण। जब मैं अभी बात कर रहा हूं या उपनिषद में कुछ लिखा हुआ है, थ्योरेटिकल नॉलेज जो होती है उसको बोलते हैं आगम प्रमाण। ये सब कुछ थ्योरेटिकल है आपके लिए, आपके लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन पे हिट कर रहा है। अभी जो मेरी फ्रीक्वेंसीज जा रही है वो आपके लेफ्ट यानी लॉजिकल माइंड में हिट कर रही है। वो अनुमान प्रमाण ये होता है कि जब कोई चीज सटल होती है और हो सकता है कि उसको देख पाना आंखों से संभव ना हो, तो उसको अनुमान लगा के समझा जाता है। यानी प्रत्यक्ष प्रमाण जो हो गया वो आपकी थ्योरी, आगम प्रमाण जो आपका हो गया वो आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज हो गई, जो कि उपनिषद भगवत गीता में आपको मिलती है। अनुमान प्रमाण जो हो गया वो हो गया अनुमान लगा के आप पता लगा रहे हो, अभी मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा इसको। और तीसरा जो हो गया वो है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष मतलब क्या? अक्ष मतलब आंखें, खुद से देख पाना बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, या खुद से एक्सपीरियंस कर पाना। अब आगम प्रमाण का उदाहरण तो आपको पता ही है। आगम प्रमाण का जो उदाहरण है वो क्या है कि कोई उपनिषद की किताब है, कोई भगवत गीता है, उसको पढ़ा जाए। अनुमान प्रमाण का जो उदाहरण है समझने के लिए, जैसे ब्लैक होल। ब्लैक होल को आज तक कितनी बार लोगों ने देखा? नहीं देखा। तो 1950s में या 1920s में इसके ऊपर अध्ययन होना चालू हुआ कि देर इज अ एनर्जी विच इज इनविजिबल और उसका ग्रेविटी बहुत खतरनाक हो सकती है। आइंस्टाइन ने इसको पर रिसर्च की थी। तो इसको बोलते हैं अनुमान प्रमाण, मतलब देखा नहीं गया है, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अनुमान लगाया जा रहा है कि ब्लैक होल के अंदर क्या है। ब्लैक होल के अंदर एक थ्योरी है, पहली थ्योरी आती है कि ब्लैक होल के अंदर निकलो आप टनल है। दूसरी थ्योरी आती है कि ब्लैक होल सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। तीसरी थ्योरी टाइम ट्रेवल को लेके आती है। चौथी थ्योरी आती है पैरेलल यूनिवर्स में जाने का एक मार्ग है वो। तो थ्योरीज बहुत सारी बनी हुई है, इसीलिए बिग बैंग थ्योरी बनते हैं। वो बिग बैंग थ्योरी क्योंकि पता नहीं है कि एक्चुअली वास्तविकता में सच में एक पॉइंट से कुछ फटा और एकदम से बढ़ना चालू हो गया।
अब एक थ्योरी आती है एक्सपेंशन थ्योरी। अगर आप स्टीफन हॉकिंस की बुक पढ़ें तो उसमें एक्सपेंशन थ्योरी है। अब वो थ्योरी नहीं है, अब वो साबित हो गया। थ्योरी स्टार्ट ऐसी हुई कि स्पेस जो है एक्सपैंड हो रहा है, और लाइट की तेजी से रोशनी की गति से तेज हो जा रहा है। तो ये थ्योरी थी। फिर अभी क्या बोलते हैं, जेम्स वेब टेलीस्कोप से इन लोगों ने देख लिया, या उससे पहले देख लिया था, कि जो स्टार्स है वो दूर जा रहे हैं। तो इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। क्यों? अभी अनुमान प्रमाण लगा रहे थे कि एक्सपेंड हो रहा होगा, लेकिन जैसे ही उसको देखा गया कि डक 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 दूर जा रहा है सब कुछ, जैसे एंड्रोमीडा गैलेक्सी जो है वो दूर जा रही है ना, और क्या बोलते हैं बाकी के जो स्टार्स हैं सीरियस, इस सारे जो स्टार्स हैं दूर जा रहे हैं, तो इससे क्या बोलते हैं, इसको प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया कि हाँ, अब ये सिद्ध हो गया है कि भैया एक्सपेंशन जो थ्योरी है वो सिर्फ थ्योरी नहीं है, वो एक्चुअली में एक रियलिटी। अब सवाल आता है चक्रों के ऊपर, प्राण के ऊपर, कुंडलिनी के ऊपर, रीइंकार्नेशन के ऊपर। ये सब तो सूक्ष्म चीजें हैं, इन सब चीजों को हम कैसे एक्सपीरियंस करेंगे? अब आप कहोगे एक्सपीरियंस करना ही क्यों है, जब इतने लोगों ने लिख दिया तो एक्सपीरियंस क्यों करना है? एग्जैक्टली यही मेरा पॉइंट है। क्योंकि भैया अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया तो आपके अंदर संदेह बना रहता है, स्केप्टिसिज्म बना रहता है। तो यूट्यूब पे 10 लोग 10 तरीके की बातें कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ इस पे गोली चला रहे हो कि मुझे इस आदमी से प्यार है, इस आदमी ने मेरी जिंदगी में परिवर्तन लाया, मेरे को मांस छुड़वा दिया, जो कि बहुत बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है। आत्मज्ञान के मार्ग पे मांस को छोड़ना एक बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन जिस हिसाब से आप लोग ऐसे ऐसे करते हो पागलों की तरह, वो कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। चीजों को सटल रूप में समझना, लाइफ में माइंड को समझते जाना, मैं कौन हूं उसको समझते जाना, ज्यादा बड़ी उपलब्धि। तो आपने क्या किया कि आप जो जितने भी लोग हैं कि मैं इस आदमी से प्यार करता हूं, मेरे गुरु से, और मैं इस आदमी के लिए पागल हूं, और अब जो ये आदमी कह रहा है वो सत्य है, जबकि आपके खुद के स्वयं के अंदर डाउट है। रिलीजन को लेकर लोगों के अंदर डाउट है, लोग मानते नहीं है दोस्तों, लोग एक सेकेंड मानते नहीं हैं, लोग जानते नहीं हैं, लोग मानते हैं कि भगवान होते हैं, लोग जानते नहीं हैं, लोग मानते हैं, लोग के अंदर स्केप्टिसिज्म है, यानी डाउट है, यानी होते भी है कि नहीं होते, क्या पता ना होते हो, तो रेप क्यों हो रहे हैं फिर? कभी कभी लगता होते, कभी कभी लगता नहीं होते। उस दिन तो मेरे को 10 लाख की जरूरत थी तो मेरे पास ट्रांजैक्शन आ गया, लेकिन यहां यार 2 साल की बच्ची के साथ रेप हो रहा है, इसका मेरे पास ट्रांजैक्शन आ गया और इसका नहीं हुआ, तो समझ नहीं आ रहा चक्कर क्या हुआ 2 साल की बच्ची के साथ क्यों? तो आपके अंदर संदेह आता है यार, क्या सच में मतलब है भी, मतलब नहीं नहीं भैया हम लोगों को डर लग रहा, हो सकता हो टेम्पल जाओ पूजा करो। ध्यान में रखिए, मैं ये नहीं करूं यहां पर भगवान होते कि नहीं होते, ये मत सोचिएगा कि मैं ये बता रहा हूं भगवान होते कि नहीं, मैं बता रहा हूं चल क्या रहा है, एजेंडा क्या है तुम लोग का। यहां पे प्रत्यक्ष प्रमाण को समझने की कोशिश करी जा रही है, अभी ये नहीं समझने की कोशिश करी भगवान होते कि नहीं होते, मैंने कभी नहीं कहा भगवान नहीं होते, ठीक है? तो जाओ टेंपल में पूजा करो, डर डर क्या पता होते हो। तो जो लोग कहते हैं कि उपनिषद में जो लिख दिया है इसमें स्मरण करने की क्या जरूरत है, अरे घोचू, उपनिषद में जो लिखा हुआ है उसको अपने अंदर देख, अगर तू नहीं देखेगा तो तेरे अंदर स्केप्टिसिज्म आ जाएगा, तेरे अंदर क्या आ जाएगा, संदेह आएगा, शंका आएगी, और कोई हिंदी का वर्ड लेना है, स्केप्टिसिज्म आ जाएगा। समझने की कोशिश करिए, क्योंकि देखिए चक्कर क्या है ना, कि जब तक ह्यूमन माइंड को एक्सपीरियंस नहीं होता तब तक ह्यूमन माइंड मानता नहीं। मैं देख पा रहा हूं कि यहां पे चुड़ैल खड़ी हुई, मेरा दोस्त भी देख पा रहा है,
एक और दोस्त मेरा, लेकिन एक आदमी नहीं देख पा रहा, तो उस आदमी को तुम चाहे कुछ भी कर लो वो आदमी नहीं मानेगा, इन थ्योरी मान जाएगा लेकिन मानेगा। अब आते हैं प्रत्यक्ष करने की चीजों में। देखिए अनुमान प्रमाण जो है उसको तभी निकाला जाता है जब आपको कोई ऐसी चीज समझनी हो। लोग कहते हैं कि आपने बोला आत्मा परमात्मा, हमने तो कभी आत्मा नहीं देखा, तो इसको प्रत्यक्ष कैसे करें, आत्मा को कैसे प्रत्यक्ष करें। एक बात बताओ, तुमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर झांक के देखा है एटम होता है कि नहीं होता है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स देखे जा चुके हैं, नहीं देखे जा चुके? होते हैं, हाँ हाँ होते हैं, होते हैं। कैसे होते हैं? उनको दूसरे डॉट से देखा जाता है। भाई यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है तो यहां से उड़ के कैसे जाओगे वहां देखने के लिए? दूसरे जो कंटेक्स्ट है उससे समझा जाता है कि भाई ये प्लैनेट जो है, अगर अगर सच में यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है तो ये प्लैनेट, ये सारे जो स्टार्स है ये भी दूर जा रहे होंगे, तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ रॉकेट फास्टर देन लाइट एंड गोइंग एंड सीइंग, उन्होंने सोचा कि अगर ये हो रहा होगा तो ये भी हो रहा होगा, क्योंकि कोई एक चीज शिफ्ट होती है तो कोई और भी चीज शिफ्ट होती है। ये है यूनिवर्स की थ्योरी। तो उन्होंने क्या किया, स्टार्स को ऑब्जर्व करना चालू किया, तो समझ में आ गया कि हाँ भाई ये होता है, और भी उसमें और भी चीजें थी, मैं तो एक ही से डॉट ले रहा हूं, कनेक्टिंग द डॉट करके समझा जाता है सूक्ष्म चीजों को। तो रीइनकार्नेशन की थ्योरी है, उसको भी कनेक्टिंग द डॉट करके समझा जाएगा। रीइनकार्नेशन को प्रत्यक्ष नहीं कर सकते आप, एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो, आत्मा को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो कि मैं शरीर से बाहर निकल के फिर देखूंगा कि यहां पे आदमी खड़ा हुआ, ऐसा नहीं होता, इट्स नॉट पॉसिबल। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस जो हैं, जब चलो एक बार मान भी लेते हैं आप शरीर से बाहर निकल गए तो आंखें तो यही हैं, आत्मा का अपने अलग आंखें होती हैं, और अगर आत्मा की अपने अलग आंखें होती है, अपनी अलग सांस होती है, अपनी अलग नाक होती है, तो शरीर को करने की क्या जरूरत है, आत्मा में ही रहो। कुछ तो तर्क लगाओगे कि नहीं लगाओगे, वो मेरे को खड़े होकर देख रही है, अरे खड़े होने के लिए पैर चाहिए, खड़े होकर क्या देखेगा कोई। और दूसरी चीज लोग कहते हैं मैं मेडिटेशन करता हूं मुझे रात में कोई चुड़ैल दिख रही है, लाइट बंद करके मेडिटेशन नहीं करते, उससे मेलाटोनिन रिलीज होगा नहीं, मेलाटोनिन का रिलीज होने के लिए लाइट का बंद होना जरूरी है, तो रात में बैठ के मेडिटेशन कर डरते हैं हमको कोई देख रहा है। अरे तुम शाहरुख खान हो क्या, तुमको कोई क्यों देखेगा आके, कोई ऐसी चुड़ैल खड़ी होगी तुमको क्यों देखेगी, उसके पास इतना काम धंधा है क्या कि मतलब इतना इंटरेस्ट हो, तुम इंटरेस्टेड हो, तुम भगवान हो कि तुमको आगे बैठ के कोई देखेगा, कोई क्यों देखेगा। इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता जो बिना डिजायर के हो, तो कोई क्यों देखेगा तुमको। अब आपका सवाल आ रहा होगा, सर अब ये बताइए भूत प्रेत होते कि नहीं होते, मुझे नहीं पता, क्यों मैं आपके ऊपर वो थ्योरी डालूं। अभी जो मैंने समझाया उसको समझने की कोशिश करिए, सीखते कैसे हैं, सटल चीजों को अनुमान प्रमाण से समझा जाता है, एक कोई चीज होती है तो दूसरी जगह से शिफ्ट करके समझा जाता है, ठीक है। तो अब प्रत्यक्ष प्रमाण जो है उसको थोड़ा समझते हैं क्या होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि दो माइंड माइंड में मेरे ओवर थिंकिंग हो रही है, आप कह रहे हो नहीं होती मेरे, मैंने कहा एक बार मेडिटेशन कर बैठ देख, आपने मेडिटेशन किया, बैठे आपने देखा आपको ओवर थिंकिंग हो रही है, अभी तक आप इंटरनल माइंड को ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे, इस वजह से आपको ये लग रहा है कि ओवर थिंकिंग नहीं होती। अब मैंने कहा कि भाई माइंड के अंदर ना दो थॉट्स के बीच में स्पेस आता है, आप कहते हो नहीं आता, सही कहते हो आप, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस में नहीं है, और अभी तक आप सही जा रहे हो। द मोमेंट यू स्टार्ट बिलीविंग वॉट आई एम ट्राइंग टू से, इसका मतलब आप मेरे से अटैच्ड हो रहे हो, मेरे से प्यार करना चालू कर रहे हो, और जैसे आप यूट्यूब गुरुज के साथ करते हो, मेरे लिए किसी और के लिए आप लड़ोगे, मेरे लिए किसी और से आप लड़ना चालू कर दोगे। क्यों, पार सर ने बोल दिया रीइनकार्नेशन होता है, अरे पार सर ने बोल दिया तो बोल दिया भैया, हमने इसको अंधभक्ति बोलते हैं। अगर जिंदगी में वाकई कुछ करना है, जीवन में कुछ करना है ना, तो अंधभक्ति से बाहर निकलो सबसे पहले। मैं कुछ भी बोल रहा हूं अपने हिसाब से, मैं सही बोल रहा हूं, उसको एक बार प्रत्यक्ष करो, उपनिषद में जो कुछ भी लिखा हो उसको प्रत्यक्ष करो। मैंने आपसे कहा दो थॉट्स के बीच में स्पेस आता है, आपने कहा नहीं आता, अभी तक आप राइट मार्क में हो। मैंने कहा ठीक है भाई, चल तेरे को बोध करवाता हूं।
आप बैठे, आपने मेडिटेशन किया, आपने देखा कि हाँ दो माइंड्स के, दो थॉट्स के बीच में स्पेस आता है, धीरे धीरे आपको पता चलेगा, 3-4 महीने मेडिटेशन करोगे आपको पता चल जाएगा। अब आपको कैसे यकीन दिलाएं? आपको ऐसा हो सकता है कि आपको यकीन ना हो, आपको 110% यकीन हो जाएगा। तो कुंडलिनी की जब मैं बात करता हूं, जब मैंने अपने यात्रा की शुरुआत करी थी, आरंभ करी थी मैंने, बिकॉज ऑफ आई वॉज वेरी वल्नरेबल, वेरी यू नो लोनली, आई स्टार्टेड स्पिरिचुअलिटी इन 2016। दैट टाइम आई वॉज नॉट बिलीविंग नथिंग अबाउट इट, आई वॉज नॉट बिलीविंग प्राण, आई वॉज नॉट बिलीविंग कुंडलिनी, बट बिकॉज द एनर्जी स्टार्टेड पुशिंग इन एंड देर आर सेंसेशंस हैपनिंग इन साइड द बॉडी, बहुत सारी शरीर में सेंसेशन होना चालू हुई, और फिर मैं सांस लेता था तो यहां से ऐसे करके एक बार बार निकल, मैं कुछ नहीं होगा, ऐसे ही होगा, ये निकला, बॉडी में हीट आना चालू हो गया, स्पर्म की जो प्रोडक्शन है वो 3-4 गुना बढ़ गई, उसकी उसको हैंडल करना सीखा, रात भर में मेरा स्लीप कोटा रिड्यूस हो गया, 8 घंटे से मैं 6 घंटे पे आ गया, अभी वापस मैं 8 घंटे पे आ चुका हूं, क्योंकि उसके लिए योगा और आसन भी साथ में चलना होगा, तो 6 घंटे तभी रहता है मेंटेन। धीरे धीरे मैं अंदर फील आने लगा कि यहां पे कुछ है चक्कर, यहां पे कुछ है, यहां पे कुछ है, ये मुझे फील हुआ। अब जब फील हुआ, अभी तक यकीन नहीं हो रहा था, अब जब फील हुआ तब जाके इन्वेस्टिगेट किया, तो सच में देखा कि जब चक्रों की मैंने पोस्टर देखी, पहली बार जिंदगी में चक्र की पोस्टर देखी मैंने, ये चक्र होते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, मैंने कहा यार ये तो यही सेंसेशंस हो रही है जहां पे एकदम दिखाया जा रहा है, यहां पे भी होती थी मेरे, तो मैंने कहा कुछ तो होगा। फिर मैंने दिग्गजों को सुनना चालू किया, संदीप महेश्वरी का कुंडलिनी एक्सपीरियंस देखा, लोगों के बारे में सुना, जग्गी वासुदेव सदगुरु जी को सुना, सबको सुना, मैंने कहा अच्छा बात हो रही है तो कहीं ना कहीं कुछ तो सत्य होगा। फिर मैंने आयुर्वेद पढ़ना चालू करा, अब आयुर्वेद में साफ साफ स्पष्ट दिया हुआ है कि 112 चक्र होते हैं शरीर में, नाड़ियां होती हैं, 72,000 नाड़ियां होती हैं, तो मुझे यकीन हो, मैंने कहा अब भाई ये, क्योंकि ये सटल था, ऐसा नहीं है कि मैंने यहां से चक्र निकाला और ऐसे देखना चालू कर दिया ये अनाहत चक्र है, ये विशुद्धि चक्र है, ये नहीं होता है, फील होता है पहले, प्रत्यक्ष होता है, उसके बाद जब गुस्सा आता है यार क्या है, चक्कर क्या है, जिज्ञासा जागती है, फिर आप देखते हो जमते, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। तो किसी भी चीज को समझने के लिए उसका प्रत्यक्ष करना जरूरी है, और अगर वो प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है तो उसको अनुमान प्रमाण समझे, जैसे री इंकारनेशन है, उसको अनुमान प्रमाण से समझा जाता है। अब इसके बारे में कभी हम बाद में बात करेंगे, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो ये था पूरी पूरी चीजें। तो आगम प्रमाण भी जरूरी है, ऐसा नहीं है नहीं जरूरी है, क्योंकि आगम प्रमाण हमें इंडिकेट करता है कि यहां पे कुछ है, फिर हम अनुमान लगाते हैं कि यहां पे कुछ हो सकता है, या हम सीधा उसको प्रत्यक्ष करते हैं, ठीक है, ये चीजें समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको फील नहीं आएगा, अगर आपके माइंड के अंदर झांक खुद नहीं दोगे जो भाई उपनिषद में जो कुछ भी लिखा हुआ है हो सकता है सत्य, हो सकता है असत्य, आपको देखना पड़ेगा। अब आप कहोगे जब लिखा हुआ है तो देखना कौन है, अरे वही मैं कह रहा हूं, घोचू अगर लिखा हुआ है उसको देखना इसलिए क्योंकि भाई स्केप्टिसिज्म बना रहता है आपके अंदर, नहीं है क्या संदेह, अभी मैं कुंडलिनी की बात करूंगा, आपके गुरु ने आज तक बात नहीं करी, आपके अंदर संदेह नहीं आएगा, री इंकारनेशन के ऊपर बात करूंगा, आपके अंदर संदेह नहीं आ रहा है, कैसे बात होगी, जो कुछ सिर्फ दिख रहा है। अभी कॉपरनिकस 15th सेंचुरी में एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट हुआ, उसने कहा कि हम केंद्र में नहीं है, सूर्य केंद्र में है, क्या हुआ उसका पता आपको, मार डाला गया, जला दिया, कॉपरनिकस था या कोई और था मुझे, मैं एक बार सोच के बताऊंगा वापस रिसर्च करके, कि उसने कहा भैया हम केंद्र में नहीं है, सूर्य केंद्र में, इतने में बवाल हो गए। तो बिलीफ के लिए शुरू से लड़ाइयां होती आ रही हैं, ठीक है, तो ये होता है सीखने का तरीका। कोई फॉलो क्वेश्चंस हो तो नीचे डालिए, मैं अगले में स्पष्ट करूंगा। थैंक यू, टेक केयर।